नमस्कार. मंच पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और सभी सम्माननीय, सामने बैठे हुए कई सारे वरिष्ठ जन, सभी सांसद सदस्य, मंत्रीगण और सभी साथियों, सामने भाभी भी बैठी है जिनके बिना वेंकैया जी का जीवन अधूरा है और एक संबल है वो, जिसको मूक संबल कहते हैं. मैंने कई बार देखा है ऐसी वो मूक संबल सामने बैठी है, उनको भी प्रणाम करती हूँ. आज का ये जो दिन है, वास्तव में एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिनको मैंने देखा है जब पहली बार आंध्र प्रदेश के युवा प्रदेशाध्यक्ष बने थे. युवा प्रदेशाध्यक्ष माने जाते थे, उसके पहले महामंत्री रहे और भी कई सारा काम किया. और हमेशा पार्टी ने जिनकी तरफ कुछ अपेक्षा से देखा और उन्होंने भी हर उस कदम पर उस अपेक्षा पूर्ति की दृष्टि से इतनी मेहनत की है, जो मेहनत हम सब लोगों ने उनके साथ काम करते करते अनुभव की है. एक मुझे लगता है ये जो चरैवेति, चलते रहो का जो संदेश हमेशा दिया हमें मिला है, और इसमें इस प्रकार की एक किताब प्रकाशित करना, सामने रखना, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो भाव है कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, अभी तक ऐसा लगता था, कई बार होता था कि जो बड़े घराने से है वही आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब एक समय लगता है ऐसा आ गया. कई सारे सामने उदाहरण सामने बैठे हैं कि सामान्य से सामान्य घर का व्यक्ति भी अपने कर्तृत्व के आधार पर जीवन में खुद भी कुछ करता है, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व भी दे सकता है, चाहे राजनीति हो या चाहे सामाजिक अनेक अंग हो. और ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो जनता के सामने आना कहीं ना कहीं, चाहे चित्र रूप से हो, चाहे किताब के रूप से हो, ये आना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि माननीय वेंकैया जी का प्रवास भी आप अगर देखें तो, जैसे अभी कहा गया, इमरजेंसी के समय हो या उन्होंने कॉलेज के समय में जो नेतृत्व दिया हो, या बाद में भी सतत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे और आज इस मुकाम पर है, मगर हर एक व्यक्ति ने ये समझ लिया होगा, देख लिया होगा जिन्होंने उनके साथ काम किया, कि कोई पद हो ना हो, उनके मन में जो एक कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता सदैव जीवित रहता है. और लगता है ये एक प्रकार से माननीय अटल जी ने जो एक बार संदेश दिया था कि बाकी सारे पद हमारे जा सकते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता का जो पद है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये उन्होंने कहा था, संदेश दिया था. और मैंने वेंकैया जी को इस प्रकार से काम करते हुए देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे, मगर अध्यक्ष नहीं भी रहे तो पार्टी के लिए जहाँ भी बोलो, नहीं भी बोलो तो भी मैं जाऊँगा करके पूरे हिंदुस्तान में पार्टी के काम के लिए सदैव समर्पित रहे. उनकी भाषा भी जो हमने देखी है, भाषा प्रभुत्व तो है लेकिन शब्दों के साथ खेलना, ये शब्दों के साथ खेलना, और उसमें भी हम लोग उसको अनुप्रास बोलते हैं भाषा के, इसमें अनुप्रास, वो उनके इसमें भाषा में सदैव जो एक प्रकार का आनंद देता है, जब उनका भाषण कोई सुनते हैं तो इस प्रकार से जब वो भाषा के साथ खेलते हैं कि इफ़ यू कोऑपरेट आई विल ऑपरेट यू, समथिंग लाइक दैट इट गोज ऑन. और ये केवल एक भाषा नहीं, दो तीन प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं और बहुत रुचिपूर्ण तरीके से बात करते हैं. लेकिन केवल रुचिपूर्ण भी नहीं, कहीं ना कहीं काम करते समय काम करने की कठोरता और काम आग्रहपूर्वक करवाने का उनका स्वभाव, ये सभी का कहीं ना कहीं अनुभव हम सभी लोगों ने लिया है.
आज मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप सब लोग उनको जानते हैं, उपराष्ट्रपति जी को, जो उनका संवाद करने का तरीका कई बार आग्रही भी होते हैं, मगर वो आग्रह हमेशा अच्छे के लिए होता है, जीवन में अच्छे के लिए आग्रह उनका हमेशा रहा है। और आज ये किताब भी जो सामने है, मुझे ऐसा लगता है एक साल हो गया उपराष्ट्रपति के रूप में एक सर्वोच्च पद में बैठा हूँ, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरी है, जीवन में चल रहा हूँ, कभी तेज गति से चल रहा हूँ, लेकिन चलते समय भी अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है तो थोड़ा सा एक क्षण रुक के एक सोच मन में लाना जरूरी कि मैं ठीक तो चल रहा हूँ। और जब सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति काम करता है तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से तो हम कई बार अपना विचार मन में करते हैं, रुकते भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से काम, सार्वजनिक जीवन में काम करता है, राजनीति में काम करता हो या और भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता हो, तो ये वास्तव में है उस व्यक्ति को दौड़ते हुए, तेज चलते हुए, अच्छी तरीके से काम करते हुए कि मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन एक क्षण रुक के और एक सोच बनानी आवश्यकता है। और वो सोच भी केवल अपने पूर्ति सीमित नहीं, इस प्रकार के एक सार्वजनिक सोच। आज का जो कार्यक्रम है कि अपने सहयोगियों के साथ ये साल भर में काम तो किया, इतना तो चला, मगर ठीक चला ना, ये एक सार्वजनिक सोच। तो मैं इस किताब को इस रूप में लेती हूँ कि एक तो लोगों के सामने ये बात भी रखना कि सामान्य व्यक्ति भी कैसे ऊंचाई तक पहुंच सकता है सबको साथ लेते हुए, लेकिन ऊंचाई तक पहुंच के चलते समय भी एक सार्वजनिक सोच, एक क्षण के लिए क्यों ना हो, आधा घंटे के लिए क्यों ना हो, ये होना चाहिए कि हाँ हमारा चलना ठीक तो है, मेरा अगला कदम जो आगे पड़ेगा, वो अगला कदम जो मेरा पढ़ने वाला है वो गड्ढे में तो नहीं, वो ठीक तो है, वो सबके साथ तो है। ये सब विचार को लेके ये जो किताब आज हमारे सामने आ रही है, सही में ये कॉफ़ी टेबल बुक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सोच टेबल बुक भी है, कि हर किसी के दृष्टि से एक अच्छी किताब सामने आई है। मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और माननीय उपराष्ट्रपति जी को कहूँगी, आपके साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीखती रहती है, आज भी है कि सम्मान तो अध्यक्ष के रूप में देते हैं, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटी बहन के नाते कई सारी चीज़ें समझाते भी हैं और कई सारी चीज़ें ध्यान में भी रखते हैं कि इसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, ये कौन सी चीज़ खाना पसंद करती है, यहाँ से ध्यान भी बहुत बारीकी से रखते हैं। ऐसे एक बड़े भाई के रूप में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, आज उनकी इस किताब का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। मैं अपनी तरफ से मैं कहूँगी कि हाँ माननीय, आप जिस गति से चल रहे हैं आप चलते रहो, और हमेशा आपका कदम हम सब लोगों को साथ में लेके उचित दिशा में ही चले, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा महाजन जी।